तो भाई जयपुर में शाम को डोसा तो हर जगह मिलता है। आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर के आए हैं जहाँ पर सुबह 7:30 बजे से आपको बिल्कुल शानदार ऑथेंटिक साउथ इंडियन डोसा जो है मिलेगा। इसके लिए जो है आज मैं आ गया हूँ वैशाली नगर के अंदर श्री लक्ष्मी इडली सेंटर, जहाँ पे इनकी बढ़िया सी जो है इडली मिलती है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल होती है। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको जो है वड़ा भी मिलेगा, और वड़ा जो है मैं आपको वीडियो के अंदर आगे दिखाऊंगा कुछ अलग टाइप का होता है। जो नॉर्मल जो सांभर वड़ा में जो वड़ा दिया जाता है वैसा वड़ा इनके पास में नहीं होता है। तो शाम को जो है ये भैया आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, दिन में 2-3 बजे तक ये अपना पूरा सेटअप जो है वाइंड अप कर लेते हैं। सुबह सुबह अगर आपको बढ़िया साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का जयपुर के वैशाली नगर एरिया के अंदर अगर आपको एंजॉय करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं लोग बाग जो अपनी प्लेट लगवा रहे हैं, इसके अंदर लोग बाग जो है इनके इडली के साथ साथ में वड़ा भी जो है प्लेट के अंदर मिक्स करवाते हैं, और दोनों का जो है कॉम्बिनेशन एकदम मिक्स करके एंजॉय करते हैं। तो भाई मुझे तो जो है बेसिक वाली जो इडली होती है वो थोड़ी कम पसंद है, तो मैं मेरे लिए जो है वड़ा लेने वाला हूँ, उसके बाद में इनका जो डोसा है उसकी आपको मेकिंग दिखाने वाला हूँ। तो भाई जब तक आप वीडियो देखते देखते कमेंट करके बता दो कि जयपुर के अंदर आपका सबसे फेवरेट साउथ इंडियन स्पॉट कौन सा है, जहाँ का साउथ इंडियन फूड आपको जयपुर में सबसे बढ़िया लगता है। और ये आप देख सकते हैं जब तक बाकी जो प्लेटें हैं वो सारी लग चुकी है, और भाई यहाँ पे ना सुबह में क्राउड भी काफी अच्छा हो सकता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट से राइट तक पूरा जो है ठेले को घेर करके जो है लोग बाग खड़े रहते हैं। आसपास में भी लोग बाग जो इनकी जो सारी डिशेज है वो ट्राई करते हुए आपको मिलेंगे। तो आप जो है हमारी वड़ा वाली जो प्लेट है तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर इनका कुछ एक ये स्पेशल मसाला है भैया जो इसके अंदर ये डालते हैं। इसके बाद में जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं इनके पास में चटनी रहती है, जो व्हाइट वाली जो होती है वो रहती है व्हाइट वाली चटनी। और जगह पर थोड़ी सी गाढ़ी होती है, यहाँ पर मैंने देखा है कि थोड़ी सी पतली होती है चटनी, बट ये है कि और जगह जितनी देते हैं यहाँ से उतनी डबल ट्रिपल देते हैं, और आप दोबारा मांगोगे तो भैया आपको दोबारा भी दे देंगे। इसके बाद में होती है इनकी स्पाइसी वाली रेड वाली चटनी, और उसके बाद में डाला जाता है इसके अंदर सांभर। जो रेड वाली चटनी होती है उसके लिए भैया हर कस्टमर से पूछ लेते हैं कि अगर वो ये डलवाना चाहते हैं नहीं डलवाना चाहते। भाई मैंने तो जो मेरी वड़ा वाली प्लेट थी उसके अंदर ना तो मैंने जो इनकी स्पाइसी वाली चटनी डलवाई और ना ही मैंने इसमें सांभर डलवाया, मैंने खाली इसको जो इनकी व्हाइट नारियल वाली चटनी होती है उसके साथ में जो है इसको एंजॉय किया था। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, और खाने में भी जो है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। और वड़ा भी जो है इनका आप देख सकते हैं बिल्कुल ही आपको डिफरेंट टाइप का वड़ा मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा वड़ा जयपुर में इन भैया के अलावा और कहीं पर भी मिलता होगा। तो भाई ये एंजॉय करने के बाद में आप बात करें इनकी प्राइस वगैरह की, तो इनका जो वड़ा और जो इडली होती है उसका एक प्लेट का प्राइस होता है 30 रुपीज़, और ये जो डोसा आप देख रहे हैं बनते हुए इसका एक प्लेट का प्राइस होता है 60 रुपये। और इनका जो डोसा वगैरह का टेस्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया था, बिल्कुल लाइट था एकदम टेस्ट के अंदर। तो जब तक हमारा डोसा तैयार हो रहा है मैं आपको लोकेशन वगैरह बता देता हूँ। यह आपको मिलेगा वैशाली नगर में गुप्ता स्टोर पे, या आप देख सकते हैं एयरटेल का ऑफिस है, इसके जस्ट सामने जो है ये भैया आपको लगाते हैं सुबह सुबह 7:30 बजे से जो आपको मिलेंगे। तो भैया फटाफट से उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो जिनके साथ में आप यहाँ पर सुबह आकर के बढ़िया ये डोसा एंजॉय करने वाले हो। तो इसी के साथ में डोसा भी हमारा देखते देखते बिल्कुल क्रिस्पी सा डोसा बनकर के बढ़िया से एकदम जो है तैयार हो गया है, इसका भी टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया था। तो गाइज़ ये था हमारा पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही बढ़िया वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।